हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाने का खीर। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है। इसके लिए हम लोग मखाना लिए हैं, इसे हम लोग दूध में डाल देंगे। हम लोगों का मखान घी में भुना हुआ है, आप रिफाइंड में भी भून कर डाल सकते हैं। दूध को पहले हम लोग गर्म होने दिए थे, अब इसमें हम लोग मखान डाल दिए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, टेस्टी है, आप लोग इसे ज़रूर बनाइए। ये आप ज़रूर ही खाइएगा। इसे मखान जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है। इससे हम लोगों का थकान जो होता है वो भी दूर होगा और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है दूध। इसे हम लोग 10 मिनट तक पकने देंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल के भी बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल के। अब हम लोग सारे ड्राई फ्रूट को ग्राइंड करके उसका पाउडर डालेंगे इसे गाढ़ा होने के लिए। 5 मिनट तक और इसे पकने देंगे और चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो हम लोग बड़ी चम्मच से 1 चम्मच डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट का पाउडर और इसे मिक्स कर देंगे। चीनी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीनी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और कोई कम। तो आप इसे सुबह के नाश्ते में ज़रूर ही बनाइए। किसी आप अगर आपके बच्चे को मीठा खाने का मन होता है तो ज़रूर बना के दीजिए, जल्दी से बन ही जाएगा। इसमें हम लोग 1 बड़ी चम्मच चीनी डाल रहे हैं। यदि आपका व्रत है तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। और ये जो मखाने का खीर है ये बूढ़े बच्चे सबको पसंद आता है, तो ज़रूर ही ट्राई करिएगा इस तरीके से। अब मेरा मखान का खीर बनके तैयार हो चुका है। जो आदमी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है हम लोगों का मखान का खीर। अगर आप लोग चाहें तो मखान के खीर में मखाने को पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। वैसे ही सिंपल ट्रिक से बनाइए।